पास भी हथियार है, घुस के मारेंगे। कह देना उनको कि मैं आ रहा हूँ। अपने KGF लेने। May I come in? सब गाइज कैसे हो आप सब, आई होप आप बहुत अच्छे हो। तो गाइज आप सभी को मालूम है KGF 2 रिलीज हो चुका है और इस पर अभी मतलब जो ट्रेंड चल रहा है वो भी बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। तो अगर आप भी कुछ ऐसा एटीट्यूड वीडियो बनाना चाहते हैं जो आप प्रीव्यू पे देखें तो वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस तरह आप ऐसा वीडियो बना सकते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो आपका वीडियो भी बहुत ही अच्छा बनेगा, लाइक आपका आउटपुट भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कृपया आप अपने वीडियो मतलब सॉरी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ कर दें, और आज का लाइक हम रखते हैं 250 लाइक, तो प्लीज़ 250 लाइक कर दें। और गाइज अगर आप अभी तक कमेंट भी नहीं किए हैं तो कर दें, और इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए आज का जो वीडियो एडिटिंग है इसे स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइज, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और जो बंदे को एलाइट मोशन चलाना नहीं आता है वीडियो के साथ बने रहें। अब यहाँ पर गाइज आपको डिस्क्रिप्शन से लाइट मोशन को डाउनलोड करना है, ये मोड वाला है, डाउनलोड कर लें। अब गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको दो प्रोजेक्ट का लिंक और मिलेगा डिस्क्रिप्शन पर, यानी कि आपका एक के अंदर रहेगा इफेक्ट्स, यानी कि जो फोटोज़ है उसके अंदर इफेक्ट्स सब रहेंगे, और एक पे रहेगा आपका बिटमार्क प्रोजेक्ट। तो बिटमार्क प्रोजेक्ट कुछ इस तरह देखने को मिलता है। तो आपको सबसे पहले इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अभी आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर आना है और यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और एक वीडियो मिलेगा लिरिक्स वीडियो, उसे इंपोर्ट करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अब ये लिरिक्स वीडियो को मैं इंपोर्ट कर लिया। अब इससे आपको क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं ये इस तरफ हो जाएगा, और यहाँ पर यास मतलब यास रॉकी भाई का यहाँ पर इमेज है, सही है, अच्छा लगता है देखने में। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये वाला ऐड होने के बाद आपको जो पहला मार्क आ रहा है यानी कि 11.17 सेकंड पर, उस टाइम पर आना है और एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देना है। तो देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा पार्ट कट हो चुका। अब यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, ये करने के बाद ये आपको अगर चाहते हो इसका लिरिक्स ट्यूटोरियल तो आप मुझे नीचे पे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसका ट्यूटोरियल भी दूंगा। और यहाँ पर आपको अगर नहीं चाहते तो आप वो भी बता सकते हैं, बट आपको पर डिपेंड करता है। तो मैं जल्दी इसका लिरिक्स ट्यूटोरियल भी कोशिश करूँगा अगर कमेंट आते हैं तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं आपको क्या करना है, ये लिरिक्स इंपोर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं लिरिक्स इंपोर्ट करने के बाद इस टाइम से 11.17 सेकंड से प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और आप जिस भी इमेज पे वीडियोस बनाना चाहते हो आप अपना उस इमेज सबको यहाँ पर इंपोर्ट करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं जैसे कि देख सकते हैं इनमें से कोई भी एक इमेज सबको चूज़ कर लेता हूँ, देन थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करें, देन नेक्स्ट मार्क पर जाके कट कर दें। अब इस मार्क से नया फोटो को इंपोर्ट करना है, उसे भी इस तरह इंपोर्ट करके फिल कर लेना है, नेक्स्ट मार्क तक कट कर देना है। यहाँ पर गाइस इसी तरह आपको करना है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ किस तरह करना है। तो यहाँ पर इमेजेस मेरे पास ज़्यादा नहीं है, जस्ट आपको क्या करना है, फोटो सबको इस तरह इंपोर्ट करना है और थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करना है। अपना इमेज पर बना रहे हो तो अपना इमेज, या जिसका भी इमेज पर बना रहे हो उस इमेज सबको आपको यहाँ पर इंपोर्ट करके फिल कर लेना है, देन नेक्स्ट मार्क तक आके कट भी कर लेना है। तो इस तरह मैं फोटो सबको इंपोर्ट कर लेता हूँ। फिर से मैं बता रहा हूँ, पहले इस एरो राइट एरो लेफ्ट एरो है, तो राइट एरो पर क्लिक करके मार्क तक आओ, मीडिया पर क्लिक करें और जो भी फोटो है उस फोटो को इंपोर्ट कर लें। फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करने से फोटो फिट हो जाता है, बट ये पहले से फिट है। अब नेक्स्ट एरो पर क्लिक करके नेक्स्ट मार्क आओ और यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट कट। तो इस तरह मैं कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, फोटो सब मैं इंपोर्ट कर चुका हूँ। अब गाइज आपको इसका और एक ट्यूटोरियल काइन मास्टर पर मिल जाएगा। इस तरह नहीं, एटीट्यूड स्टेटस एडिटिंग है, या कोई भी एडिटिंग कह सकते हैं आप, वीडियो एडिटिंग है एक्चुअली। तो आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, काइन मास्टर पर एडिट हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है प्रोफेशनल तरीके से और एटीट्यूड फुल एटीट्यूड। तो आप जाके वो वाला भी देखें वीडियो। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, जो फोटो सब आप इंपोर्ट कर चुके, अब जहाँ से पहला फोटो स्टार्ट हो रहा है उस टाइम पर आना है, उस फोटोज पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाना है, देन ऐड इफेक्ट पे जाना है और यहाँ पर सर्च करना है ब्लर, देन आपको यहाँ पर गैजियन ब्लर को चूज़ कर लेना है और स्टैंडर्ड सेटिंग। देन इससे आप इंपोर्ट करने के बाद ब्लर आप बढ़ाना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं 170 कर देता हूँ। देन थ्री डॉट सॉरी उसके बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, कॉपी इफेक्ट्स करना है। देन जितना सारा यहाँ पर फोटोज़ है आप हर फोटोज़ पे ये वाला इफेक्ट्स को पेस्ट कर दें, यानी कि जो आप ब्लर इफेक्ट्स डाले वो वाला पेस्ट करें। जस्ट फोटोज़ पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट। तो यहाँ पर मैं सारा इमेजेस पे पेस्ट कर दिया। देन आप इस प्रोजेक्ट से निकल आ जाएं और यहाँ पर आपको सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर आना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दो ग्रुप मिलेंगे, तो पहला जो ग्रुप है उस पर क्लिक करना है। देन आपको इस वाला आइकन पर क्लिक करना है जो कि आपका राइट एरो है उसके बाजू पर। देन कॉपी लेयर करना है। अब यहाँ पर बिटमार्क प्रोजेक्ट के अंदर आ जाना है और यहाँ पर उसके बाद आपको जहाँ से पहला मतलब मार्क है 11.17 सेकंड पर आना है और जो राइट एरो के बाजू है उस आइकन पर क्लिक करके पेस्ट लेयर करना है। अब वो जितना दूर है आप टाइम को ऑप्शन पर जाकर एक्सटेंड कर लें, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये वाला हो चुका। अब यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपको एक गैप छोड़कर अब इस जगह पर आना है और वो वाला आइकन पर क्लिक करके पेस्ट लेयर। अब जितना दूर है आपको ये उतना दूर उस मार्क तक आना है, टाइम का ऑप्शन पे क्लिक करके एक्सटेंड कर लेना है। जैसे कि अभी इस पे दिए एक गैप दिए, गैप देने के बाद फिर से एक गैप देना है और उस मार्क से फिर से इंपोर्ट करना है और राइट एरो पे क्लिक करके उस टाइम पर आना है और ये जो टाइम का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके एक्सटेंड करना है, क्योंकि थोड़ा सा उसका ड्यूरेशन छोटा हो जाता है कहीं कहीं पर, तो आपको उसका ड्यूरेशन को इस तरह बढ़ा लेना है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो इसका ज़्यादा हो गया ड्यूरेशन, तो आप मार्क तक आओ, टाइम का ऑप्शन पर जाओ और इस पर क्लिक कर दें। तो इस देख सकते हैं यहाँ पर उसके बाद गैप देकर इस टाइम पर मैं अब इंपोर्ट कर देता हूँ और एक्सटेंड जो है उसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा ही हो चुका है। इस तरह कर लें। अब देख सकते हैं इतना करने के बाद आपको इस प्रोजेक्ट से निकल आ जाना है, फिर से सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर आना है, इस वाला आइकन पर क्लिक करना है और जो राइट एरो के बाजू पर उस पर क्लिक करना है, कॉपी लेयर करना है। अब फिर से बिटमार्क प्रोजेक्ट के अंदर आना है और यहाँ पर जहाँ पर आप गैप दिए जिस जगह पर सब पे उस सब पर आप यहाँ पर पेस्ट कर दें और एक्स्ट्रा पार्ट कट कर दें। तो यहाँ पर इस तरह मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर भी और देख सकते हैं ये थोड़ा सा एक्सटेंड करना होगा, एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर दिया, ये बहुत ही ज़्यादा हो चुका है तो इसका एक्सटेंड आप थोड़ा कम कर लें। तो जहाँ जहाँ आपको एक्सटेंड करना है उसका टाइम ड्यूरेशन उतना उतना आपको कर देना है और अगर उसका कम रहता है तो आप उससे कम कर लें, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा करना है। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो आपको कम करना है, तो इस तरह आपको कर लेना है। तो देख सकते हैं ग्रुप ऐड करने के बाद आप यहाँ पर आप ब्लर बढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ग्रुप सब आप बनाए यहाँ पर पेस्ट किए उस ग्रुप पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पर जाना है। यहाँ पर चार फोटोज़ देखने को मिल जाएंगे, सॉरी पाँच फोटोज़ देखने को मिल जाएंगे, तो इन पाँचों को आपको रिप्लेस करना है। तो फोटोज़ आपको रिप्लेस किस तरह करना है, अगर आपका फ़ोटो 9:16 रेशियो नहीं रहा तो आप यहाँ पर कोई सा भी गैलरी से अपना फ़ोटो सबको यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ कोई भी एक इमेज यहाँ पर, सॉरी एक मिनट, जैसे कि ये वाला आप यहाँ पर एडिट ग्रुप सॉरी एडिट पे ऑप्शन पे क्लिक करें, क्रोप पर जाएं और अगर आपकी गैलरी पे 9:16 रेशियो वाला या फोटो क्रोपिंग ऑप्शन है तो ये रेशियो भी रहेगा, तो 9:16 रेशियो को चूज़ करें, राइट का ऑप्शन पे क्लिक करें, सेव कर लें। वरना आप क्या करें, अलाइट मोशन से आप यहाँ पर प्लस पे क्लिक करें, 9:16 रेशियो क्रिएट और आपका जो भी इमेज है उस इमेज को इंपोर्ट करें, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करें, शेयर पे क्लिक करें, करंट फ्रेम एज ए पीएनजी और इसे एक्सपोर्ट करने के बाद सेव कर लें तो वो सेव हो जाएगा। तो जितना सारा आपको करना है आपको पर डिपेंड करता है, आप वो सब कर लें। तो यहाँ पर आपका जहाँ जहाँ ग्रुप पे जैसा जैसा है एडिट ग्रुप पे क्लिक करें और यहाँ पर हर ग्रुप पे क्लिक करने के बाद, हर फोटोज़ पे क्लिक करने के बाद कलर एंड फिल रिप्लेस और यहाँ पर अपना फ़ोटो को रिप्लेस करना है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर जो मिडिल वाला फ़ोटो है इस पर, तो कलर एंड फिल पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर रिप्लेस और यहाँ पर जो भी मेरा 9:16 रेशियो का फ़ोटो है उसे मैं चूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, तो प्लस पे क्लिक किया, देख सकते हैं चेंज हो चुका। तो इस तरह आपका यहाँ पर और सारे फ़ोटोज़ हैं, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर लें, ढेर सारे हैं इमेजेस, तो ढेर सारे यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी पसंद है आप यहाँ पर रिप्लेस कर लें। देन इधर वाला जो आपका ग्रुप है उसके बाद वाला जो ग्रुप है सॉरी यहाँ पर, जैसे कि ये वाला ग्रुप पर आप चेंज किए, अब ये वाला ग्रुप जो है उस पर भी आप चेंज कर लें। इस तरह एडिट ग्रुप पे जाके जो जो फोटोज़ रिप्लेस करना चाहते हैं इस तरह कलर एंड फील रिप्लेस का ऑप्शन पे जाके रिप्लेस कर लें, तो उस तरह उसके बाद फिर से नेक्स्ट जो ग्रुप आता है उस तरह रिप्लेस करते जाएं। तो यहाँ पर मैं रिप्लेस कर लेता हूँ जितना सारा है, फिर मैं आप दिखाता हूँ। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं मिडिल इमेज कुछ ये वाला है, अब मिडिल इमेज आप चेंज कर लें, फिर से ये ग्रुप पे आप मिडिल इमेज दूसरा रखें, जैसे कि यहाँ पर मैं कलर एंड फील्ड पर जाता हूँ, रिप्लेस का ऑप्शन पर जाता हूँ और कोई दूसरा
जो भी मेरे को पसंद लगता है, जैसे कि मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ, राइट का ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह आपको करना है। ऑल राइट गाइज, यहाँ पर मैं चेंज कर चुका हूँ। अब ये देख सकते हैं कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप सारा का सारा इमेजेस, आपका बहुत सारा इमेजेस है, तो आप जो आपका बाकी इमेजेस है जो साइट पे और चार इमेजेस है, वो सबको भी आप रिप्लेस कर लें अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा है तो। टाइम लगेगा बट वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह आप बना सकते हैं। देन शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करके आप एक्सपोर्ट कर लें। मैं थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ।